Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aaj hum log 10th class ki physics chapter number 15 electromagnetism ka jo next topic 15.4 DC motor usko study karenge. DC means direct current. To DC motor kya karti hai ki jo hamari electrical energy hoti hai usko rotational kinetic energy mein convert kar deti hai. वो जो हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो हम लोग डिफरेंट अप्लायंसेस को रन करने के लिए यूज़ करते हैं. जिस तरह से फॉर एग्जांपल फ़ैन की बात कर लें तो क्या होता है कि हम लोग पीछे से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमें मिलती है और हमारा फ़ैन जो है वो रन करता है. तो आज जो है वो हम लोग इसके डीसी मोटर को स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये वर्क करती है. ठीक है, तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ये हमारा जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किया था, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसी पर ही बेस करता है. जिस तरह से हम लोगों ने उसमें बात की थी कि हम लोग जो वो एक कॉइल लेते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट जो है वो कॉज होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी बेसिकली वही प्रिंसिपल यूज़ होगा लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, तो हम लोग जो है वो इसके बेसिक कंपोनेंट्स देख लेते हैं ताकि हम लोगों का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले जो है वो इसमें जो है वो आर्मेचर यूज़ होती है. ठीक है, आर्मेचर बेसिकली क्या होती है, नंबर ऑफ कॉइल्स. फॉर एग्जांपल के ये हमारे पास एग्जांपल ये हमारे पास एक कॉइल है. ठीक है, इसको जब हम लोग टर्न देते हैं इसके नंबर ऑफ लूप्स बना देते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है, ये हमारी एक आर्मेचर बन जाती है. अगर हम लोग सिंपल एक लें इस तरह से तो ये हमारी क्या होगी, कॉइल होगी. ठीक है, और अगर हम लोग इसके नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है, आर्मेचर. ठीक है, सेकेंड वन जो है वो हमारे हैं कार्बन ब्रशेस, जिसको हम लोग सिंपल ब्रशेस भी लिख सकते हैं. ठीक है, कार्बन ब्रशेस या सिंपल ब्रश. ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास है स्प्लिट रिंग्स. स्प्लिट रिंग्स और लास्ट वन जो है वो हमारा है मैग्नेट, जो कि हम लोग परमानेंट मैग्नेट यहाँ पर यूज़ करेंगे. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये दो चीज़ें यूज़ की थी, आर्मेचर एंड मैग्नेट. ठीक है, और बैटरी तो ऑब्वियसली यूज़ होनी होनी है. जो दो नई चीज़ें हैं जो डीसी मोटर में यूज़ होती है वो है हमारे कार्बन ब्रशेस और स्प्लिट रिंग्स. इनका क्या पर्पज़ है, ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये जब हम लोग डीसी मोटर को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अब हम लोग डायग्राम देख लेते हैं और इसको सामने लेबल भी कर लेते हैं. ठीक है, ये हमारा मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है. इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है. ठीक है, इसके अलावा ये हमारी क्या है, ये हमारी आर्मेचर है. ठीक है, ये जो है हम लोगों ने अंदर डाली हुई है, ये हमारी क्या है, ये हमारी आर्मेचर है, जिसके साइड्स भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं. ये हमारी आर साइड है, ये हमारी एस है, ये पी है और ये क्यू साइड है. ठीक है, इसको भी हम लोग लेबल कर लेते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो है ये हमारे पास बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है. तो इट मींस कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बैटरी है. ये हमारे जो है ये स्प्लिट रिंग्स है. स्प्लिट मींस ब्रेक हुए हुए. अगर आप लोग एक रिंग ले लेते हैं और उसको ब्रेक कर देते हैं इस तरह से तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा स्प्लिट मींस ब्रेक हुए हुए, टूटे हुए रिंग्स हैं. ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली क्या है, ये हमारे स्प्लिट रिंग्स हैं. ठीक है, और ये जो हम लोगों ने बाही लगाए हुए हैं ये हमारे ब्रशेस हैं. ठीक है, कार्बन ब्रशेस, और ये हमारे क्या, ये हमारे स्प्लिट रिंग्स हैं. स्प्लिट रिंग्स, ठीक है, ये अब हमें जो दरमियान में नज़र आ रही है ये हमारी रोटेटिंग शेफ्ट है, जिसे हम लोग रोटेटर भी कह सकते हैं. ठीक है, इसका बेसिक पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ ये है कि इसने हमारी जो कॉइल है इसको रोटेट करवाना होता है. ठीक है, रोटेटर हम लोगों ने सामने अटैच किया हुआ है. ठीक है, ताकि हमारी जो कॉइल है ये रोटेट हो सके, इसकी रोटेशन हो सके. ठीक है,
या हम लोगों ने लेबल कर लिया सारा कुछ, ठीक है। अब हम लोग जो वो इसकी वर्किंग को देखते हैं कि ये किस तरह से वर्कआउट करती है। जैसे हम लोग बैटरी ऑन करेंगे तो क्या होगा, कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा, मीन्स इस तरह से इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। इस तरह से ये फ्लो करेगा थ्रू पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मींस के इस डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो फ्लो करेगी। इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब क्या होगा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो करंट है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में, मींस के जो हमारा करंट और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, परपेंडिकुलर। करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये हमारे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था कि हमारे जो है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी जो है वो हमारी फोर्स प्रोड्यूस होगी जो कि टर्निंग इफेक्ट जो है वो कॉज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारी 90 के एंगल बन रहे हैं दोनों के दरमियान, इट मीन्स कि हमारा जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है इस इट मीन्स कि यहाँ पर हमारी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है जो कि टर्निंग इफेक्ट कॉज करेंगी। अब हम लोग जब लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करेंगे, उसके थ्रू जब वो हम लोग फोर्स की डायरेक्शन को जब वो डिफाइन करेंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में जब वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अगर हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करते तो ये हमारे करंट की डायरेक्शन है जो कि डाउनवर्ड है, ठीक है। ये हमारे मिडल फिंगर है जो कि करंट की डायरेक्शन को बता रही है जो कि डाउनवर्ड है। और जो ये हमारी फोर फिंगर है ये हमारी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बता रही है जो कि नॉर्थ टू साउथ है। और ये जो हमारा थंब है ये किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, जो कि ये बता रही है कि पी क्यू साइड पे जो हमारी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो किस डायरेक्शन में आ रही है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में। इट मीन्स कि जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन है पी क्यू साइड पे वो किस है, किस में, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग आर एस साइड की बात करते तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो करंट है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। जो हमारा करंट और फोर्स होते हैं हमेशा ये एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इट मींस कि अगर पी क्यू साइड पे करंट की डायरेक्शन, ये हमारा करंट है और इसकी डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड थी, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था तो फोर्स हमारी किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही थी, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह अगर आर एस साइड पे हमारा करंट जो है जो प्रोड्यूस हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पे अब जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, क्योंकि फोर्स और करंट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो वो प्रोड्यूस होंगे, और ठीक है थ्रू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। यहाँ भी आप हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी आर्मेचर है उसके दोनों एंड्स पर जो है वो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, और जो फोर्स है वो इक्वली मैग्नीट्यूड है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में इट मींस कि यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट कॉज होगा, ठीक है। जब टर्निंग इफेक्ट कॉज होगा तो जो हमारी आर्मेचर है वो क्या करेगी, वो रोटेट करेगी अलोंग दी रोटेटर, ठीक है, जो कि हम लोगों ने उसके दरमियान में जो है वो प्लेस किया ताकि उसके अलोंग जो है वो रोटेट कर सके। अब क्या होगा कि हमारी आर्मेचर रोटेट करेगी, जैसे ये रोटेशन रोटेट करेगी ये 90 के एंगल पर जो है वो रोटेट करेगी, मींस जब ये रोटेट होगी तो 90 के एंगल पर आएगी, ठीक है। 90 के एंगल पर जब होगी तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे हम लोग एक थोड़ी रफ सी पिक्चर बना लेते हैं इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कि इसकी जो नई डायरेक्शन है वो किस तरह से होगी, ठीक है। ये जो है वो अब इस डायरेक्शन में जो है वो कॉइल वो हमारी आर्मेचर जो है वो चेंज हो चुकी, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी, मींस के वो रोटेट कर चुकी है अलोंग दी 90 एंगल ऑफ 90, ठीक है। 90 के एंगल पे वो क्या होगी, रोटेट हो जाएगी। जैसे ये 90 के एंगल पे रोटेट होगी, रोटेशन इसकी होगी, तो अब क्या होगा, अब जो है वो इसकी नई पोजीशन आ गई, ठीक है। नई पोजीशन की वजह से क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और जो करंट है वो प्लेन, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो प्लेन के पैरेलल हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो प्लेन के क्योंकि पैरेलल हो चुकी हैं तो इट मींस के यहाँ पे जो वो क्या होगा कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के जब पैरेलल होंगी तो हमारा जो है वो फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि टर्निंग इफेक्ट जो है वो तभी काज होगा जब जो है वो हमारी जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो फोर्स प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से क्या होगा टर्निंग इफेक्ट जो है वो कॉज होगा और हमारी कॉइल जो है वो रोटेट होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारा करंट जो है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे के क्या आ रही है पैरेलल हो रही है, ठीक है। जब ये पैरेलल होगी तो क्या होगा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगी जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी फोर्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। जब हमारी फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगी तो इट मींस कि यहाँ पे हमारा टर्निंग इफेक्ट भी जो है वो कॉज नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कि हमारी जो ये कॉइल है ये रोटेट नहीं कर सकेगी। लेकिन हम लोगों ने बात की थी कार्बन ब्रशेस और स्प्लिट रिंग्स की कि ये दो चीज़ें हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, तो वो क्यों यूज़ करते हैं, वो इसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जो वो अपनी इस रोटेशन को जो वो कंप्लीट कर सकें। तो इनका बेसिक पर्पज़ क्या होता है कि हमारे जो कार्बन रिंग्स हैं और जो कार्बन ब्रशेस हैं और जो हमारे यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स हैं इनका कनेक्शन जो है वो आपस में ख़त्म नहीं होता बल्कि क्या होता है कि ये रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा कि हमारे करंट की इंटरेक्शन जो है वो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा हमारी जो कॉइल है उस वो ऑटोमेटिकली रोटेट करेगी और अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पर जो है वो आ जाएगी, लेकिन इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। असल में होगा क्या कि हमारे जो कार्बन ब्रशेस हैं वो स्प्लिट रिंग्स के साथ अटैच हैं, ठीक है। तो जैसे ये रोटेशन होगी हमारी कॉइल की और ये 90 के एंगल पे रोटेट होगी और इस पोजीशन में आ जाएगी तो क्या होगा कि जो हमारे स्प्लिट रिंग्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे। इट मींस के पहले हमारी क्या थी, ये हमारी RS साइड थी, ठीक है, ये हमारी PQ साइड थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब नई पोजीशन आ जाएगी, हमारी जो है पोजीशन चेंज हो जाएगी, अब ये जो ये PQ साइड हमारी बन जाएगी, ठीक है, पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी और ये R हमारी जो है वो RS साइड बन जाएगी, SR, ठीक है, SR साइड बन जाएगी। मींस के ये रिवर्स हो जाएंगे, इनकी कनेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अब ये जो हमारी RS साइड है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी और PQ साइड जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, ये हमारी जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे आपस में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा करंट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे हमारा करंट रिवर्स होगा तो क्या होगा हमारी जो है वो रोटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। असल में होता है क्या रोटेशन क्यों होगी, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने बात की कि बॉडी की एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली क्या है, बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जो कि उसकी पोजीशन को मेंटेन करती है। इट मींस क्या, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को जो वो कंटिन्यू करेगी और उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको अपोज करेगी। इसी तरह का वो रोटेशन में है या वो मूव कर रही है मोशन में तो वो अपनी मोशन की पोजीशन को कंटिन्यू करेगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि करंट रिवर्स होने की वजह से क्या होगा कि बॉडी जो है वो जैसे करंट रिवर्स होगा शिफ्ट हो जाएगी साइड्स। अब जो है वो PQ साइड इस तरफ, PQ साइड का कनेक्शन इसके साथ हो जाएगा इस टर्मिनल के साथ और RS का कनेक्शन जो है वो इसके साथ हो जाएगा जिसकी वजह से करंट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। और करंट रिवर्स होने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो वो हमारे रोटेशन है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी और जो हमारी बॉडी है वो इस काबिल हो जाएगी, मींस कि हमारी जो कॉइल है वो अपनी रोटेशन को कंटिन्यू करेगी और वो जो है वो रोटेट होती रहेगी, उसकी रोटेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो हम लोगों का स्प्लिट रिंग्स और ब्रशेस को यूज़ करने का बेसिक पर्पस ही यही था कि जो ये करंट की करंट को जो वो रिवर्स कर सके, मींस कनेक्शन को जो वो ये रिवर्स कर देते जिसकी वजह से बॉडी की जो रोटेशन है वो
कंटिन्यू रहती है, ठीक है। जब बॉडी कंटिन्यू रहेगी मींस बॉडी रोटेट करती रहेगी तो क्या होगा, जो हमारा बेसिक पर्पस है कि हम लोगों ने जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि हम लोग पीछे से प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको जो है वो हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर सकें। डीसी मोटर का बेसिक पर्पस तो हमारा यही है ना कि हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, ताकि हम लोग जो वो अपने डिफरेंट अप्लाइंसिस को जो वो रन कर सकें। तो ये रोटेशन उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जो है वो हम लोग बैटरी से करंट जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर हम लोग जब तक करंट प्रोवाइड करते रहेंगे तो हमारी रोटेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और जो है वो कंटिन्यू इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो रोटेशनल एनर्जी में चेंज होती रहेगी, ठीक है। और अगर हम लोग इस रोटेशन को इन्हांस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को किन चीज़ों को, किन फैक्टर्स को हम लोगों ने देखना होगा। सबसे पहले जो है वो हमारा ये है कि हम लोग जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड करते हैं, मींस के मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो भी हमारी रोटेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग करंट को इंक्रीज़ करते हैं, करंट इंक्रीज़ करते हैं तब भी हमारी जो है वो रोटेशन जो है वो इन्हांस होगी। और इसके अलावा जो है वो अगर हम लोग टर्न्स ऑफ कॉइल जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स या टर्न्स ऑफ कॉइल जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं तो भी क्या होगा कि हमारी जो है वो इंक्रीज़ होगी रोटेशन। और लास्ट वन जो है, अगर हम लोग एरिया ऑफ कॉइल को भी इंक्रीज़ करते हैं, कॉइल का एरिया भी आकर इंक्रीज़ करते तो ऑब्वियसली हमारा करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगा। जिस तरह से अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ करेंगे तब भी करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगा, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और अगर हम लोग परमानेंट मैग्नेट स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करते तो भी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो रोटेशन है वो ज़्यादा इन्हांस होगी। जितनी रोटेशन ज़्यादा इन्हांस होगी उतनी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने डीसी मोटर की वर्किंग को स्टडी किया कि डीसी मोटर जो है वो किस तरह से वर्कआउट करती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।